फिर अचानक पता चलता मुझे मथुरा जाना, तो फिर मैंने बाइक उठाई सीधा मैं निकलने लगा मथुरा के लिए। मम्मी देख रही मेरे को, फिर सीधे निकल लेते कि जल्दी में होते हैं क्योंकि 30 मिनट रह गई थी। तो गाइस हमें तो बस जल्दी जल्दी पहुंचना था क्योंकि ट्रेन पकड़नी है, और फिर हम स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। हमारा इलाका अच्छा होता है, ट्रेन लेट होती है 20 मिनट, और उसके बाद यू कैन डू इट। एक भाई को तो हमने बिना बताए इसको बुला लिया और इसको हम लेके चलेंगे। और ये देखो भाई अब कपड़ा चेंज करेगा, देखा आपने लापरवाही का नतीजा, यहीं पे कपड़ा चेंज करेगा ट्रेन में ही। ऊपर क्या होता है सीन ऐसा होता है क्योंकि ट्रेन हॉर्न मार देती है, देखो लास्ट में इसमें लास्ट ट्रेन छूटी जाती है इसकी वजह से। पर इसको अभी देखो अभी भी कपड़ा ही बदलना है ट्रेन में बैठ के। चलो कोई नहीं, अब तो ट्रेन चलती लगी है पर बदलने देते हैं। अब भाई साहब को शर्म ही नहीं है कोई। लो भाई लोग यहाँ पे अंकल से बोलते हैं बाय बाय, उनका रिएक्शन देखो फिर। ओके यहाँ तीनों हम साथ में होकर भी, पर ये अपने फोन में लगा है, वो अपने फोन में लगे हैं, और मैं बैठा नल्ला। गजब बेइज्जती है। कुछ नहीं तो फिर मैं अपने बालों में लग जाता हूँ थोड़ा बहुत। गाइस एक दो डेढ़ घंटे के बाद बोर होने के बाद हम मेरे चेहरे पे खुशी आती क्योंकि स्टेशन आ चुका है, हम उतर गए हैं। उसके बाद ब्लैक देखते हैं भाई साहब, फिर तो मजा आ जाता है। मथुरा स्टेशन को ऊपर से देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है। हमें जल्दी जल्दी नीचे जाना पड़ता है भाई क्योंकि हमें बहुत लेट हो गए हम। और भाई इन लोगों को देखो कितना मजा ले रहे हैं एक्सीलेटर पे भी। मुझे तो सिर्फ एक्साइटमेंट है वहाँ पर पहुँचने की। आ जाओ भैया। गाइस अभी हम ड्यूरी में बैठ चुके हैं और फिर हम जा रहे हैं बुद्धा मुझे के लिए, मैं और ये। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। तो गाइस अभी हम पहुंच गए बुद्धा म्यूजियम में, तो अभी हम बुद्धा म्यूजियम में जाएंगे और पूरा देखेंगे कह सकते हैं बुद्ध जी की मूर्ति। भाई साहब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है क्योंकि बहुत सारी हिस्ट्री की चीजें हैं। गाइस हम अंदर आ चुके हैं और बौद्ध जी की बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पर रखी हैं, बहुत बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियां रखी हैं। और भाई इसमें सब जमीन से निकली हुई मिली हैं, ठीक है। इसमें अंदर मैं कम बोल पाऊंगा थोड़ा, ठीक है, सॉरी उसके लिए। हाँ तो गाइस इसमें देखो बौद्ध जी की बहुत पुरानी पुरानी मूर्ति रखी हैं, इनस्क्राइब द फूड स्टैंड्स ऑफ बुद्धा। ये है पाषाण काल के तस्वीर, जो सबसे पहला मतलब पहले लिए थे टूल्स जो थे सबसे पहले जो बनाए गए थे वो, ठीक है। क्या और ये मिला हमको बहुत, मतलब इसके अंदर सामान रखा जाता था पहले। और भाई ये देखो कितना अलग मेरे को कुछ दिखा यहाँ पे, बहुत बहुत ही यूनिक चीज। अंदर सब कुछ देख के हम बाहर निकल आते हैं, और बाहर निकलते ही इन दोनों लोगों की हो जाती है खुजलियां स्टार्ट्स। देखो भाई अब इसके बाद हम चलते हैं ये सबसे बड़ी वाली बौद्ध जी की मूर्ति के पास सीधा। इधर आओ ना यार, फोटो खींचेंगे और यहाँ से हम निकल जाएंगे।
फिर हम यहाँ पे खाना खाते हैं क्योंकि हम सुबह से पूरा भूखे होते हैं। फिर यहाँ पे हम खाना पीना खा के फिर निकल जाते हैं। मैं भी होता हूँ यहाँ पर भाई। गाइस हम दूसरी जगह जा रहे हैं, वो मिलेगा आपको ब्लॉग के दूसरे पार्ट में। अभी हम इस पार्ट को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।